ओ यार, ये हाथ में कौन सी गन है? हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार, आई एम बैक पहले की तरह ट्रिक वीडियो लेकर। और हाँ यार, काफ़ी दिनों बाद ट्रिक वीडियो डाल रहा हूँ, तो इस वीडियो का लाइक एम भी थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। इस वीडियो का लाइक एम है 28K, मतलब 28,000 आपको लाइक कंप्लीट करने। और आज की वीडियो पर क्या होने वाला है वो बता देता हूँ। आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा वुकोंग कैरेक्टर के ट्रिक, मतलब वुकोंग कैरेक्टर की पूरी ट्रिक होने वाली है। बहुत मस्त ट्रिक होने वाली है। आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो यार आपको मज़ा आ जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो देखना। और हाँ, लाइक एम कंप्लीट करने के लिए अभी लाइक कर दो, लाइक वाला बटन है उसको प्रेस कर दो फटाक से, हमको 28K कंप्लीट करने इस वीडियो पर। लाइक कर दिया ना तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को बिना चाबी लगाए स्टार्ट करते हैं। तो यार, ये रही हमारी फर्स्ट ट्रिक, और इसमें हम करने वाले हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ग्रेनेड को अनलिमिटेड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पीछे आ जाना है। आपको पता होगा यहाँ पर ग्रेनेड मिलते हैं, तो आपको यहाँ से ग्रेनेड ले लेना है। 3 ग्रेनेड मिलते हैं आई थिंक, हाँ तो ये देख सकते हो, सॉरी 4 ग्रेनेड। तो यहाँ से आपको ग्रेनेड ले लेना है, और इसके बाद आपको ग्रेनेड को अपने हाथ में लेना है और कुक करना है। आपको पता होगा ग्रेनेड कुक कैसे होता है, तो ये देख सकते हो। कुक करने के बाद आपको वेट करना है, जैसे ही ग्रेनेड फटने वाला होगा आपको वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी को ऑन करना है। जैसे आप उसको ऑन करोगे तो यार आपका किल हो जाएगा, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप फिर से रिवाइव हो, और रिवाइव होने के बाद आप देखोगे आपके जो ग्रेनेड होते हैं वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, मतलब आप फेंकते जाओ वो ख़त्म ही नहीं होंगे। ये देख सकते हो मैं कितने सारे ग्रेनेड फेंक रहा हूँ पर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहे। तो यार मैं एकदम से खुश हो गया कि यार ये तो बहुत अच्छी वाली बात है कि ग्रेनेड हमारे अनलिमिटेड हो चुके। और वैसे मैं इसका इससे किल करना नहीं चाह रहा था ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, पर फिर भी मैंने टेस्ट करके देखा कि देखते हैं यार किल होता है कि नहीं। तो अगर होता मैं तब भी नहीं करता, पर मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था। तो मैंने इसे टेस्ट करने के लिए एक एनिमी के ऊपर फेंका ग्रेनेड, पर उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो यार ये एक नकली ग्रेनेड है, ये सिर्फ दिख रहा है, बाकी इससे कुछ नुकसान नहीं होगा किसी को, आपको भी कुछ नहीं होगा। आप अपने फ्रेंड को ये करके दिखा सकते हो और एनिमी को डरा सकते हो। तो यार ये थी हमारी फर्स्ट नंबर की ट्रिक। अब बढ़ते हैं हमारी सेकेंड नंबर की ट्रिक की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ये वाली ट्रिक आप कहीं भी कर सकते हो, ट्रेनिंग ग्राउंड, CS, रैंक, क्लासिक, कहीं भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गन ले लेना है AWM, मतलब कोई भी स्नाइपर गन ले सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है पर यार काफ़ी फनी भी है। तो इसको आप अपने फ्रेंड को दिखाकर मतलब उनको हैरान कर सकते हो कि आपने ये कैसे किया, बाकी एनिमी को भी दिखा सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको गन को ओपन करना है, मतलब स्कोप को ओपन करना है। और जब आपका स्कोप ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको अपनी एबिलिटी को ऑन करना है, मतलब जो वुकोंग की एबिलिटी होती है वो ऑन करना है। आप घास बन जाओगे, इसके बाद आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, मतलब जो एबिलिटी होती है घास बनने की उसको कैंसिल भी कर सकते हो, चाहे तो पूरी एबिलिटी को यूज़ भी कर सकते हो। और जैसे ही पूरी एबिलिटी यूज़ होने के बाद आप वापस अपने कैरेक्टर पर आओगे, मतलब घास से कैरेक्टर पर आओगे, तो आप क्या देखोगे वो आप खुद देख लो। आपका जो चलने का स्टाइल है ना वो चेंज हो जाएगा, मतलब आप ऐसे चलोगे जैसे आप फिसल रहे हो, तो आप खुद ही देख लो, मतलब बिल्कुल माइकल जैक्सन बन जाओगे आप। और हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको स्कोप को ओपन करना है फायर बटन को क्लिक कर, नहीं तो आप स्कोप वाले बटन को ओपन करोगे तो ये ट्रिक नहीं होगी। आपको फायर वाले बटन पर क्लिक करके होल्ड कर फिर स्कोप को ओपन करना है, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। तो यार ये देखो, तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड नंबर की ट्रिक पर। तो यार थर्ड नंबर की ट्रिक काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। अगर आप ये वाली ट्रिक करोगे ना तो यार सारे बंदे आपको देखते रह जाएंगे। तो इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा CS क्लासिक पर। ये रैंक गेम पर नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी हॉरिज लाइन की, जो कि रैंक गेम पर आपको नहीं मिलती है। तो आपको हॉरिज लाइन को परचेस कर लेना है, और इसके बाद आप ध्यान से देखना क्या करना है, आप समझ जाओगे तभी आपको ट्रिक वर्क करेगी, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो आपको हॉरिज लाइन खरीदने के बाद आपको अपना बैग को ओपन करना है जैसा मैंने किया है, और मेड किट वाले बटन पर क्लिक करके आपको ऊपर दिख रहा होगा, जिससे जो आइटम होते हैं आपके वो इधर से उधर हो जाते हैं, मतलब ऊपर। तो इस वाले बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपकी हॉरिज लाइन आगे जाएगी और मेड किट पीछे चली जाएगी। आप ध्यान से देख लो, पहले आपने मेड किट पर क्लिक करा, उसके बाद ऊपर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी हॉरिज लाइन आगे जाएगी, और आगे आने के बाद आपको यूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसी हॉरिज लाइन को यूज़ करोगे तो आपको वुकोंग बनना है, देख सकते हो मैं वुकोंग बन गया। उसके बाद आप हॉरिज लाइन को यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद देखो क्या होगा, जैसी आपकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी वुकोंग की, तो आप जो कैरेक्टर है आपका कैरेक्टर वो इस तरह से मतलब स्लाइड करेगा ज़मीन पर, और सारे बंदे आपको देखते रह जाएंगे, मतलब यार कितना ज़्यादा फनी लग रहा है देखने में। तो यार ये वाली ट्रिक आप करोगे ना तो यार 100% आपके पीछे बंदे घूमने लगेंगे, तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर करना। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रिक। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ नंबर की ट्रिक।
तो यार ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको पता होगा वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी क्या होती है। आप घास बनते हो, उसके बाद अगर आप किसी बंदे पर फायर करते हो तो आपकी घास हट जाती है और आप नॉर्मल कैरेक्टर पर आ जाते हो। तो यार ये तो सभी को पता होगा, पर इस ट्रिक में हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये वाली ट्रिक शायद बाद में हट सकती है, और इसको यूज़ करना भी ठीक है या फिर नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आगे जाकर हट जाती है बग है तो यार ये यूज़ करना तो गलत है, क्योंकि इससे किसी बंदे का आप किल करते हो तो यार ये तो अनफेयर है। तो पर फिर भी मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कोई भी गन है तो आपको उस गन को ले लेना है और सामने वाले बंदे पर फायर करते जाना है। आप फायर करते जाओगे, उसके बाद आप वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज़ करते हो तो आप घास बनने के बाद भी सामने वाले बंदे पर फायर कर पाओगे। तो यार एक बार यहाँ पर अच्छे से देख लो, देख सकते हो यहाँ पर मैंने फायरिंग करी और फिर मैं वुकोंग बना और उसके बाद फायरिंग हो रही है, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता, पर इस ट्रिक को करने के बाद ऐसा हो जाएगा। देख सकते हो मैं घास हूँ और फायरिंग हो रही है। तो ये थी हमारी 4th नंबर की ट्रिक, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 5th नंबर की ट्रिक। और 5th नंबर की ट्रिक भी पहले की तरह है थोड़ी, मतलब इसमें भी आपको CS क्लासिक खेलना पड़ेगा। तो CS क्लासिक इसलिए क्योंकि इसमें हॉरिज लाइन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हॉरिज लाइन लेने के बाद आपको सेम जैसा मैंने पहले किया था वैसी करना है, मेडकिट के बगल में रखना है आपको हॉरिज लाइन और ऊपर से चेंज कर लेना है। इसके बाद आपको यूज़ करना है हॉरिज लाइन पहले की तरह, बस इसमें क्या फ़र्क है, पहले आप वुकोंग बन रहे थे, इसमें आपको वुकोंग नहीं बनना है, आपको सिर्फ हॉरिज लाइन को वो करना है, यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद आप देखोगे कि जब आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो आपके हाथ में मतलब जो हॉरिज लाइन से इंजेक्शन लगता है वो इंजेक्शन आपके हाथ में रहेगा। इनका इंजेक्शन मेरे हाथ में है और मेरे पेट में भी इफेक्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो यार यहाँ पर क्या हुआ था, मेरे टीममेट्स का सारे बंदों का किल हो गया था तो वो मुझे देख रहे थे, तो यार उनको भी ये लग रहा होगा कि मेरे हाथ में क्या है, क्योंकि यार ऐसा कहीं भी कोई गन वगैरह तो है नहीं, तो वो भी सोच रहे होंगे शायद कोई नई गन आ गई है। तो ये देख सकते हो हाथ में हॉरिज लाइन आ चुका है, और ये पूरे गेम में हमारे हाथ में ही रहता है, चाहे हम गन भी ले लें चाहे हटा भी दें, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी हमारी 5 नंबर की ट्रिक, और इसी के साथ यहीं पर वीडियो को एंड कर देते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक करना अभी भी मत भूलना, अगर पहले लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दो। बाकी आज चैनल पर न्यू आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, फटाक से उसको क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके SK28 की पब्लिक से जुड़ जाओ। तो यार बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।